नमस्कार, मैं साधना यादव गौड़ का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको ये कोकोडामा मैं का प्लांट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड, कोकोडामा होता क्या है यही बताऊंगी, और कोकोडामा कहाँ की। फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने बना के रखे हुए हैं, बॉल टाइप की बनती है और इसे कोकोडामा बोलते हैं। ये मैंने अब दिखाने के लिए आपको पहले से बना लिया है। फ्रेंड, या इसके लिए देखते हैं ये जरूरत इसके सामान के क्या क्या है। फ्रेंड, ये देखते हैं, पैरेट देखते हैं, ये सुतली जो आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगी, जहाँ पर ये डिस्पोजल्स का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट, और इसमें नीम खली मिला रखी है। फ्रेंड, और ये है हमारी गार्डन की मिट्टी जो हम हर उसमें मिलाते हैं। फ्रेंड, साधारण। और ये है, ये देखिए, ये है मॉस, ये सूखा मॉस है। फ्रेंड, इसको बनाने से पहले पानी में भिगोया जाता है, जब इसके बॉल में लगाया जाता है। तो ये कोकोडामा लगाने का ये बनाने का सामान है। सुतली चाहिए हमारी, ये नीम खली, वर्मी कंपोस्ट चाहिए, मिट्टी है और ये मॉस है। फ्रेंड, कोकोडामा होता क्या। फ्रेंड, ये कोकोडामा एक जापानी तकनीक है, और इसकी उत्पत्ति ही जापान के उसमें की है पद्धति, और इसमें ये बॉन्साई और इससे सब जापान की ही तकनीक से ये बनाया गया। फ्रेंड, कोकोडामा, कोको मतलब फ्रेंड ये मॉस, इसको बोलते हैं, कोको का मतलब है मॉस, मॉस ये, और डामा का मतलब है बॉल। तो इसके हम जो इसको बनाते हैं कोकोडामा बॉल के आकार में प्लांटर, इसमें हमने ये प्लांट लगा दिया। तो आप फ्रेंड इसको कहीं भी प्लांटर ऐसे छोटी प्लेट में भी रख सकते हैं, और आप किसी बोतल में रख सकते हैं, और इसको हैंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छा है जिसके पास स्पेस नहीं होता है कि भाई हमारे गमले रखने की जगह नहीं है कि हम कहाँ रखें। तो फ्रेंड, आप इस तकनीक को आप प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे प्लांट को आप प्लांटर बना सकते हैं। फ्रेंड, तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें मैंने क्या क्या सामान बता दिया। फ्रेंड, उसको हमने क्या बनाना है, आपने ये इस तरह से ले, दोनों का इनको मिक्स कर लेना है। इसको इसको मिक्स कर लिया और हमने ये बॉल बना ली। ये देखिए, ये हमने इसमें बॉल बना ली है। थोड़ी सी मिट्टी और मिला लेती हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा गीला सा हो गया है ये। ये देखिए, ये मैं इसको इसमें बॉल हमारे ये बना ली। बहुत अच्छी ये तकनीक है फ्रेंड बनाने का, और बिल्कुल सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। ये मॉस जो है आपको नर्सरी मिल जाएगी, 150 रुपये किलो मिलती है आराम से। ये मैं 60 रुपीज़ की लाई थी, और बहुत अच्छा है। आप इसमें जो देखते हैं, हम लोग स्टिक बनाते हैं मनी प्लांट में लगाने के लिए, उसमें ये मॉस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, बहुत से प्लांट में अगर हम जो हैंगिंग बास्केट बनाते हैं उसको बहुत वेट कम करने के लिए, तो भी हम मॉस का प्रयोग करते हैं इसमें। तो देख लिए, ये बना दिया। इसको हम इसको बॉल को क्या करेंगे, इसको हम बॉल को इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड, बॉल के हमने मिट्टी के जो बनाए थे उसके दो भाग कर लिए। अब इसको हम इस तरह से रख देंगे। फिर जो हमने मॉस ली है फ्रेंड, मॉस को मैंने बताया है बनाने से पहले इसको आपको पानी में डालना है, पानी में डाल के इसको निचोड़ देना है। फिर इसको हम ऐसे इसको फैला लेंगे, ये इस तरह से ये फैला देंगे इस तरह से बॉल इसका, क्योंकि इस पूरी लेयर चढ़ानी है हमें बॉल पर। तो हम इसको इस तरह से, और जो इसमें जो देखिए इस तरह से ये मिट्टी, ये छोटे छोटे से घास सी होती है फ्रेंड, इसको निकाल देना है आपने, क्योंकि इसको निकालेंगे तभी साफ, क्योंकि ये फ्रेंड ये मॉस बड़े बड़े पहाड़ों पे, रॉक पे पाई जाती है। उसको यहाँ से काट के ला के काट उसको निकालते हैं, फिर सुखाते हैं घास जंगल में, तो इस तरह की इसमें हो जाते, पेड़ों पर भी पाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड, इसको बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमने इसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, आपको जो प्लांट अच्छा लगे उसमें आप इसको इसमें प्लांटर बना सकते हैं। तो एक करके मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको प्लांटर बनाना है। तो उसको ये देखिए, ये फर्न है, इसे ये अफ्रीकन ब्यूटी, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लांट है फ्रेंड, इसे फर्न कहते हैं, और फर्न की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। और जो मेरे पास है मैं आप वीडियो डालूंगी मेरे पास कौन से फ्रेंड, इसमें देखिए इस तरह के निकलते हैं इस तरह से, ये देखिए ये नीचे, तो इसको हमारे कुछ यूज़ का नहीं है, इसको हम निकाल देंगे। क्योंकि जो हम कोकोडामा बनाते हैं उसमें क्या है, बॉल में प्लांट ऐसा है कि बिल्कुल
फिट हो जाना चाहिए। अगर प्लांट फिट नहीं हुआ, उसकी जड़ें थोड़ी सी भी निकली रहें तो प्लांट सूख जाएगा। तो हमने इसको मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने अलग कर दिया फ्रेंड। अब देखिए मेरा ये बनने के लिए बिल्कुल प्लांट तैयार है। ये देखिए, अब मैं क्या करना है, ये देखिए इसमें मैंने ये इधर भी और ये ऐसे, ये मैंने बॉल को ऐसे लगा दिया। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये बन गई, बॉल बन गई। ये देखिए बिल्कुल, देखिए बन गया, कितनी सुंदर सी बॉल बनी है। इसमें कुछ नहीं है, आसानी बिल्कुल कठिनाई नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं ऊपर से, और कुछ भी नहीं। आप आजकल तो इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए कलर में मॉली, जो आप हम मंदिर में यूज़ करते हैं, जो रिबन होते हैं बच्चे स्कूल में करते हैं, क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, जो कलर में जो डोरी आ रही है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं अभी आपको, मैं ही सुतली है फ्रेंड ये, इसका प्रयोग करके बताऊं, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही किया। और मैंने पहले भी जो कोकोडामा बनाया हुआ उसमें देखिए मैंने सुतली का ही प्रयोग किया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। ये देखिए, अब मैंने क्या करना है, अब ये देखिए, ये मैंने जो मॉस थी मैंने बिछा दी थी इसको निचोड़ कर, देखिए पानी से निकाल के बिछाई थी। अगर आप सूखी लगाएंगे फ्रेंड तो इसमें सूखी इतनी अच्छी फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि लोग सूखी में लगा देते हैं, सूखी लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हल्का सा उसमें पानी में आप डाल देंगे गीली हो जाएगी फ्रेंड, फिर उसकी लेयर बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब हम इसको ये ऐसे, ये देखिए इसकी मैं सारे बना दूंगी। ये देखिए, ये सूखी चिपकती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड, ये सूखी जो मॉस होती है वो हमारी मिट्टी में चिपकती नहीं है, क्योंकि इसमें घास फूस भी होता है, तो उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लकड़ियां टाइप की होती हैं उनको भी साफ करना है, और साफ करके उनको आप इसमें आराम से लगा दीजिए। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा प्लांटर बनता है। आप इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगी, प्लेट जो होती है हमारी, जो हम चाय पीने की कप प्लेट में यूज़ करते हैं, उस प्लेट में आप इसको रखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। और आप कलरफुल जो डोरी आती है उससे बांधेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अभी आपको मैं अपने सुतली से बांध कर दिखा रही हूँ फ्रेंड, उसको आप बांध सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बन के इस तरह की बॉल बन के तैयार हो गई। ये देखिए बन गई बॉल, अब इसको हम ये देखिए जो हमारी है बांधने वाली, उसको हम इसका, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा लेंगे जो हमारी गांठ लगाने में हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें उसमें गांठ भी लगानी है, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे फ्रेंड। आप किसी को किसी भी आकार में लपेट सकते हैं जो आपको अच्छा लगे फ्रेंड, क्योंकि जो मुझे सिंपल लगता है मैं वही करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आप उसको बहुत सारे एंगल से बांध सकते हैं, जैसे आपको सिंपल लगे उस एंगल से आप इसको बांधिए। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इसमें पूरा सुतली को ये थोड़ी सी मेरी कम पड़ गई है, तो मैं इसमें एक नॉट लगा देती हूँ ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कम पड़ रही है सुतली, तो इसको मैंने ऐसे करके लगा दिया, तो उसमें मैं और थोड़ा सा कवर कर दूंगी। ये देखिए, ये मैं ऐसे कवर कर दूंगी फ्रेंड। आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कवर करिए। मुझे ऐसे ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको ऐसे बांध दिया। अब देखिए, जो मेरे पास ये भाग था इसमें मैं ऐसे गांठ लगा दूंगी। ये देखिए, जो मैंने छोड़ा था गांठ लगाने के लिए, ये यहाँ पे मैंने गांठ लगा दी है। ये देखिए, इसको मैं इतना यहीं पर इसको तरह से
इसको कवर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी, दिखे ना। ये देखिए फ्रेंड, और देखिए और आपके सामने एक बहुत सुंदर कोकोडामा बनके तैयार हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है लगा, इतना आपको मेहनत नहीं करनी है फ्रेंड। जो मिट्टी हमारे पास ही तो रहती है, वो मिट्टी भी आपको लगानी है। और देखिए इसमें आपने पानी में क्या करना है, अगर आपके पास आपने नीचे रखा हुआ है तो आपने अभी पास पानी होगा किसी इस जैसे ये है, फिर इसको इसको बॉल को हल्का सा डुबो देना है। ये देखिए हमने इसको बॉल को पानी में डुबो दिया, या आपके पास शावर है ऐसे पानी डालने वाला, उससे भी आप अपने उसमें पानी डाल सकते हैं, शावर से भी इसको पानी डाल सकते हैं, या किसी मग्घे में आप, वो सबसे अच्छी है तो आप स्प्रे बोतल से पानी इसको डाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, एक प्लेट में रख के दिखाऊंगी, तो इसको प्लेट में रख के कितना सुंदर लगता है। आप डाइनिंग टेबल पर रखिए फ्रेंड, इसमें कलर वाली आप बांधेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने एक ये बनाया है जिसमें मैंने मौली बांधी हुई है, कलर देखिए आप। ये देखिए मैंने इसमें मौली बांध दी थी तो सुंदर लग रहा है ना, देखिए कलरफुल हो गया है ये। और ये भी फर्न है फ्रेंड, इसका मैंने बनाया है एक, और मैंने एक ये बनाया है, इसमें मैंने स्पाइडर घास लगाई है। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। ये मैंने आपके बनाने से पहले एक दो दिन पहले बनाया था, वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए मैंने जो ये तीन कोकोडामा बनाए हैं आपको मैंने जो अभी बताया फ्रेंड, बहुत अच्छी तकनीक है, आप इसको जरूर बनाइए। और बहुत अच्छा प्लांट, ऐसा नहीं है इसमें प्लांट नहीं चलता है फ्रेंड, बहुत अच्छा प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि इसमें मिट्टी है, मॉस है, तो आप पानी डालेंगे सिर्फ स्प्रे से ही, स्प्रे बोतल से इसको पानी को आप हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे, तो ये मॉस है ये क्या पानी को क्या करती है, अपने अंदर होल्ड कर लेती है पानी को, जितना पानी इनको चाहिए रहेगा आप दो दिन में पानी इनमें स्प्रे कर दीजिए, ये हल्का हल्का साथ में रोज भी स्प्रे कर सकते हैं पानी में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें प्लेट में रख के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसमें प्लेट में रखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये देखिए आप इसे अपने डाइनिंग टेबल रख सकती हैं, या ड्राइंग उसमें ड्राइंग रूम में रखिए, टेबल टॉप कहीं पर भी आप रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं, कहीं पर जहां पर आपने आपको अंदर रखने के लिए फ्लावर रखने की जगह बना रखी, स्टैंड पर कहीं पर रखिए। और देखिए आप इसकी सुंदरता देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे कोकोडामा मैंने आपको जो बताए हैं वो आपके सामने हैं फ्रेंड, आप बनाइए, बहुत अच्छी तकनीक है, जापानी पद्धति है फ्रेंड, इन्होंने इसका आविष्कार किया था कोकोडामा का। और मैंने आपको ये बता दिया है कोको का मतलब होता है मॉस, और पीट का मतलब कोको उसका, ये डामा का मतलब होती है बॉल, यानी कि एक प्लांटर को बॉल का आकार देना प्लांट को लगाने के लिए, उसे बोलते हैं कोकोडामा। तो फ्रेंड ये देखिए जो मैंने अब दिखाए हैं आपको तीनों बनाकर, आप जरूर बनाइए इन्हें, बहुत सिंपल है। आजकल लोगों के पास जगह की बहुत कमी होती है, गमले रखने के लिए जगह नहीं है, कहीं किसी की टेरेस पर भी नहीं है, लोग बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, तो फ्रेंड इसको आप आराम से इसमें यहाँ करके हैंग कर सकते हैं। आप इसमें एक यहाँ पर बांध के बड़ी बड़ी डोरी बांध के उसको हैंग कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने इसको किया था हैंग, तो ये मेरे बेटे ने इसकी जो हैंग करने वाली थी रस्सी वो तोड़ दी है फ्रेंड, यहाँ से मैंने इसको ऐसे हैंग कर रखा था इस तरह से, देखिए उसने कील ही उखाड़ दी है। देखिए मेरे बेटा ऐसे लेके आया, उसको निकाल कर उसको कील निकाल दी है, तो इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं, ऐसे टांगिए, बहुत अच्छा प्लांट लगता है फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आप कोकोडामा बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कि हमने कोकोडामा कैसे बनाया और हमारा कोकोडामा कैसे बना फ्रेंड। ओके धन्यवाद।